नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र सिंह, सैनिक वेलफेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में ऑनररी कमीशन के बारे में बात करेंगे जो पीबी वार्स को मिलता है। ये कमीशन साल में दो बार मिलता है, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे, यानी 26 जनवरी और 15 अगस्त को। 1000 रेशियो पर 12 ऑनररी लेफ्टिनेंट बनते हैं, यानी कि 12:1000 का रेशियो है, और 12 लेफ्टिनेंट पर एक कैप्टन बनता है, यानी 1:12 का रेशियो। टोटल वैकेंसी लेफ्टिनेंट की 1060 हैं और कैप्टन की 264, और ये वैकेंसी जो है स्प्लिट होती हैं, ये होती हैं 30:70 के रेशियो में। 30 वैकेंसी मेरिट के हिसाब से होती हैं और 70 वैकेंसी यानी 70% रेजिमेंटल कोटा होता है। ये वैकेंसीज को फर्दर डिवाइड किया गया है दोस्तों 25% और 75% के रेशियो में। ये चांस के हिसाब से है, पहले चांस में 25% लोगों को ऑनररी मिलती है और लास्ट चांस में 75% को ऑनररी मिलती है। दोस्तों, इसका प्रोसेस 4 महीने पहले स्टार्ट हो जाता है, जिसके लिए लगभग 20,000 फॉर्म रिसीव्ड होते हैं ऑन ईच ओकेशन, जिसमें लगभग 9,000 एक्टिव केसेस होते हैं। बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स 45 दिन का समय लेता है स्क्रूटनाइज करने में और फाइनल मेरिट निकालने में। दोस्तों ये कमीशन सेना के तीनों अंगों को दिया जाता है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, और ऑनररी रैंक्स एनसीओज को भी दी जाती है इन दोनों मौके पर, 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।